Small caps are one of the least understood categories amongst all. We all invest in small caps by looking at the lucrative returns. हमें लगता है कि past में returns अच्छे दिए हैं, तो future में भी returns अच्छे ही देंगे. While we forget that small caps are the most volatile and this makes them one of the riskiest categories to invest in. While evaluating, we will lay our emphasis more on the risk parameters rather than the returns. In this video, we will compare 5 best small cap funds across 6 different parameters. Standard deviation, trailing return analysis, sharp ratio, alpha and beta analysis and maximum drawdown. जैसे कि आप देख रहे हैं, 5 out of 6 parameters are risk related, so we have tried our best to focus on the risk management ability in this category. Also, we have taken all the risk parameters based on the 5 years data rather than 3 years data to be more thorough with our analysis. So let's start our analysis by comparing the standard deviation of all these funds. हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉन्सेप्ट को अपनी लार्ज कैप और मिड कैप वीडियोस में कवर किया है. सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं. सो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली फंड्स के रिस्क को डिफाइन करता है. जितना ज्यादा फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन, उतना ज्यादा रिस्की वो फंड. जैसे कि आप देख रहे हैं, एक्सिस स्मॉल कैप एंड SBI स्मॉल कैप के स्टैंडर्ड डेविएशन बाकी फंड से कम है. क्वांट स्मॉल कैप इन सब में सबसे ज्यादा रिस्की लग रहा है, और दो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है. कोटक स्मॉल कैप थर्ड नंबर पे है. सो लेट्स टॉक अबाउट द मैक्सिमम ड्रॉडाउन ऑफ दीज फंड्स. मैक्सिमम ड्रॉडाउन बताता है कि फंड अपनी पीक से कितना परसेंटेज गिरा बिफोर कमिंग बैक ऑन द सेम लेवल. बेसिकली ये फंड का डाउन साइज मेजर करता है. मैक्सिमम ड्रॉडाउन जितना कम होगा, आपका लॉस होने का चांस भी उतना ही कम होगा. सो आइए देखते हैं सारे फंड्स के मैक्सिमम ड्रॉडाउन. जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां भी क्वांट स्मॉल कैप का मैक्सिमम ड्रॉडाउन सबसे ज्यादा है, विच इज नॉट अ गुड साइन. एक्सिस स्मॉल कैप एंड SBI स्मॉल कैप का मैक्सिमम ड्रॉडाउन सबसे कम है, विच मैचेस आर डेटा फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेल. कोटक स्मॉल कैप इज एट नंबर 3 एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप एट 4th नंबर. बट ये तो सिर्फ रिस्क की बात हुई, हमको तो ये भी जानना है कि ये सारे फंड्स रिस्क मैनेज करके रिटर्न्स कितना अच्छा दे पाते हैं. कहीं ऐसा तो नहीं कि रिस्क मैनेज करते करते उनके रिटर्न्स इतने खराब हो कि कोई फायदा ही ना हो. सो वी विल सी दिस डेटा बाय शार्प रेशो. शार्प रेशो हमें बताता है कि फंड्स ने रिस्क को कितने अच्छे से मैनेज करके रिटर्न्स दिए. शार्प रेशो जितना ज्यादा उतना अच्छा. एज पर दिस डेटा ऑल्सो एक्सिस एंड कोटक आर आउट परफॉर्मिंग ऑल दी अदर फंड्स. क्या सही में इसके रिस्क मैनेज करने की कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है या इतनी अच्छी है? इसको वेरीफाई करने के लिए एक बार इनका अल्फा एंड बीटा एनालिसिस भी कर लेते हैं. अल्फा बताता है कि फंड ने रिस्क मैनेज करके कितना ज्यादा एक्सेस में रिटर्न जनरेट किया इंडेक्स से. अल्फा जितना ज्यादा उतना बेटर. बीटा भी बताता है कि अगर हमारा इंडेक्स 100 से गिरा तो हमारा फंड 100 से ज्यादा गिरेगा या उससे कम. सो अगर किसी फंड का बीटा है 1.2, सो इसका मतलब है कि इंडेक्स हमारा 100 से गिरा और हमारा फंड 120 से गिरा. बीटा जितना कम उतना बेटर फंड. सो देखते हैं सारे फंड्स की अल्फा एंड बीटा एनालिसिस का डेटा. Shockingly, as per this data, Quant Fund is beating all the other funds. Axis Small Caps is the second best and SBI Small Cap is the third best. यार अभी तक तो Quant Fund सबसे bottom में आ रहा था, अब suddenly ये top पे कैसे आ गया? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़. इसका एक ही possible reason हो सकता है कि अगर market boom करती है तो ये क्वांट फंड इंडेक्स से ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, और जब मार्केट अपने आप को करेक्ट करती है तो ये इंडेक्स फंड से ज्यादा गिरता है, विच इज वाई इसका वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा है. ये तो हमें पता है कि पिछले 2-3 साल में मार्केट ने काफी बूम की है, तो इसका मतलब है इस क्वांट फंड ने अच्छा परफॉर्म किया होगा. आइए ये डेटा भी देख लेते हैं. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा कंक्लूजन सही निकला. क्वांट स्मॉल कैप पिछले 1 ईयर एंड 3 ईयर में बाकी सब फंड्स को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट कर रहा है, बट अगर 7 ईयर्स का डेटा देखेंगे तो वहां पे लास्ट में है. इससे हमारा ये कंक्लूजन निकलता है दैट एक्सिस स्मॉल कैप एंड SBI स्मॉल कैप आर रिलेटिवली मोस्ट स्टेबल स्मॉल कैप फंड्स एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड इज अ हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड. ऑल्दो सम पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद द हाई एक्सपेंस रेशियो ऑफ SBI स्मॉल कैप, बट लेट मी रिमाइंड यू दैट दे हैव गिवन सच अमेजिंग रिजल्ट्स डिस्पाइट देयर हाई एक्सपेंस रेशियो. So, in our opinion, their high expense ratio is also justified. लेकिन अगर आपको ज्यादा expense ratio नहीं देना है, then you can go with Axis Small Cap or Kotak Small Cap. They have broadly similar expense ratio and उनका AUM भी perfect range में है, ना ज्यादा ना कम. But if you are a person or you are an investor with high risk appetite, then you can
थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन क्वांट स्मॉल कैप. उसका AUM अभी थोड़ा कम है, बट लुकिंग एट इट्स परफॉर्मेंस वी थिंक दैट इट विल इंक्रीज रैपिडली, सो दैट शुडंट बी अ कंसर्न. अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में नए हैं, सो वी हैव मेड वीडियोस इन ऑलमोस्ट ऑल द कैटेगरीज एंड वी हैव मेड अ प्लेलिस्ट फॉर द सेम. यू कैन वॉच इट हियर. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट्स. टिल देन, बी किफायती.